कुछ हालात बेहतर नहीं होंगे। मुझे पता है दिलशाद तुम्हें परेशान करना चाहती है, इसीलिए ये सब कर रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, बस आप परेशान मत। मैं दुनिया से लड़ना सीख चुकी हूँ। नहीं, मैं तुम्हें दिलशाद के बेटे से शादी नहीं करने दूंगी। तुम कहो तो मैं कासिम से बात करती हूँ, उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ कि इनकार कर दें इस रिश्ते के लिए। और अगर कासिम अंकल ना माने तो? नहीं मानते तो ना माने, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। मेरी दुनिया तुम लोग हो, मेरी औलाद। हम यहां से निकलकर कहां जाएंगे मामा? सभी रिश्तों को तो आजमा चुके हैं, क्या मिला? पप्पू ने भी हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। राशिद की तलवार हमारे सरों पर हमेशा लटकी रहेगी। और मामू, वो तो बस अपनी दुनिया में मगन है, कोई नहीं है हमारा। तुम कुछ भी कहो मगर मैं तुम्हें इस आग में नहीं कूदने दूंगी। मामा जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दे। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है, आप फिक्र मत करें। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी की शादी हो रही है, वो भी राशिद जैसे दो नंबर इंसान से नहीं बल्कि किसी पढ़े लिखे खानदानी लड़के से। अमल, मेरा दिल बहुत डर रहा है। अपने दिल को कई बार समझाने की कोशिश की है, दिलशाद का चेहरा सामने आ जाता है मेरी आंखों के, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं दिल को समझा ले मामा, अब दिल से नहीं दिमाग से सोचने की जरूरत है। मैं आपको और आफिक को दोबारा से परेशान नहीं देख सकती, बस आप लोगों को खुश देखना चाहती हूँ, हमेशा खुश। तुम ये हम दोनों के लिए कर रही हो? नहीं, मैं ये हम सब के लिए कर रही हूँ, अपने और आपके फ्यूचर के लिए। इसलिए प्लीज मेरी प्यारी मामा, आप परेशान मत हो। हाँ मगर दिलशाद ने तुम्हें अगर? नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं कर लूंगी हैंडल, बस आप परेशान मत हो। प्लीज मामा, प्लीज। यहां रख दो, बाकी सामान गाड़ी में रखवा दिया, जाओ। ये सब क्या है, कहीं जा रही हैं आप? सिर्फ मैं नहीं जा रही हूं, तुम भी साथ चल रहे हो। कासिम दाद के घर ये अमल के लिए जेवरात लेके जाना है। लेकिन मॉम, कुछ दिन पहले तो आप गई थी रस्म करने के लिए। वो तो हमारी ताकत की सिर्फ एक झलक थी। क्या जरूरत है इतने पैसे जाया करने की? देखो, दो रीजंस हैं, एक तो मेरी रेपुटेशन और दूसरा तुम्हारी मॉम हवा में तीर नहीं चला रही है। सूद समेत रिसीव करूंगी सब कुछ वापस। वैसे आंटी, इतने जेवरात लेकर जाने की क्या जरूरत थी? बहुत छोटी सोच है इस लड़की की। इतने जेवरात तो मैं अपने बेटे के सदके में बांट देती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। कासिम दाद के लिए बहुत कुछ है,
और मुझे उसको उसकी औकात याद दिलानी है ना, कि अभी भी मैं उससे एक ऊंचे मकाम पर हूं। खैर ज़हीन तुम तैयार हो जाओ, चलो। ओके मॉम। मैं भी साथ जाऊंगी। तुम वहां क्या करोगी? देखना चाहती हूँ कि वहां क्या होगा। अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ सकती। ज़हीन, मैंने कहा था ना, शादी के बाद जो करना है कर ले। इस वक्त मेरा प्लान खराब मत करो महा। महा प्लीज। मैंने कहा ना, मैं भी साथ जा रही हूं। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। लेकिन अगर वहां ऐसी कोई हरकत की तुम दोनों ने जिससे सब लोगों को पता चल गया कि तुम दोनों मियां बीवी हो, तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। डोंट वरी मॉम, महा ऐसा कुछ नहीं करेगी, प्रॉमिस। बस एक बार वो लड़की इस घर में आ जाए और मैं उसे कंट्रोल कर लूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, फिर जो मर्जी करते फिरना तुम दोनों। तो मेरे बेटे की पसंद हो, उसकी बीवी हो, तुम्हारा इवेंट इससे बहुत बड़ा करूंगी मैं, फिक्र नहीं करो। इस वक्त मेरे साथ कोऑपरेट करो। कपड़े बदलो, चलो हमारे साथ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यहां शादी की तैयारियां हो रही हैं। ये सब मेरे लिए होना चाहिए था, और मेरी जगह यहां कोई और आ रही है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। यू नो, ये जो शादी है ना, सिर्फ मॉम की जिद है और कुछ भी नहीं है। एक बार उस लड़की को यहां आने दो, मॉम का रिवेंज पूरा, और जो हानिया ने किया उसका भी तो बदला लेना है मॉम ने। शादी के नाम पर उस अमल के लिए इतने जेवरात लेकर जाए जा रहे हैं। इतना बड़ा इवेंट, ये मेरा हक था। कम ऑन, ये तुम्हारा हक है, और तुम्हारा हक तुमसे कोई नहीं छीनेगा, प्रॉमिस। तुम्हारी मॉम उस अमल के घर जा रही, वो भी इतने जेवरात लेकर, और मैं कहां खड़ी हूं? मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। देखो, अगर तो तुम ये चाहती हो ना कि मैं शादी से इनकार कर दूं, तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि आज अगर मैं मॉम की बात मानूंगा तो कल मॉम भी मेरी बात मानेगी। मॉम सारी जायदाद मेरे नाम कर रही है यार, हम दोनों का फायदा है। प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करो। और ये जो ड्रामा है ना, ये जैसे चल रहा है इसको ऐसे ही चलने दो। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, तुम ही रहोगी, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी ये बातें ना मुझे सुकून नहीं पहुंचा सकती। मेरी सौतन आ रही है और मैं मजबूरन खामोश हूं। महा,